नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र खबर और मैं हूं आपके साथ सोनू पांडे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। शहीद को दी गई सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई, सर झुकाकर आत्मा की शांति के लिए रखा गया मौन। दोहरे हत्याकांड से इलाके में हड़कंप, पोता पर दादा और दादी की हत्या का आरोप। रजिस्ट्री कार्यालय भवन के स्थानांतरण का विरोध। अधिवक्ताओं के समर्थन में उतरा किन्नर समाज। राज्य मंत्री सुबोध राकेश ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीएम का पुतला फूंकने को बताया बेहद निंदनीय। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने भरा नामांकन, वोटरों को लुभाने की हर संभव कोशिश। अब खबरें विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात यूपी के अमेठी की, जहां शहीद जितेंद्र मौर्य को सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। आपको बता दें कि बहरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले जितेंद्र मौर्य की मौत ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान हुई थी, जिनका अंतिम संस्कार रसूलाबाद घाट पर हुआ। इस दौरान सीओ पीयूष कांत राय, एसओ श्याम सुंदर समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस वालों ने नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी, साथ ही सर झुकाकर आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। अगली खबर यूपी के अमेठी से है, जहां दोहरे हत्याकांड से इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि सिवरतनगंज इलाके में दिन दहाड़े बुजुर्ग दंपति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। इस वारदात में 2 महिलाओं समेत 4 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि पोता पर दादा और दादी की हत्या का आरोप है। शुरुआती जांच में वारदात की वजह जमीनी विवाद बताई जा रही है। अगली खबर भी यूपी के अमेठी से है, जहां जिलाधिकारी प्रशांत शर्मा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ख्याति गर्ग ने मुसाफिर खाना विकास खंड अंतर्गत गांव निजामुद्दीनपुर में मूर्ति विसर्जन घाट का औचक निरीक्षण किया। ज्ञात हो कि 6 अक्टूबर को इलाके में हिंदू धर्म के अनुयायी समस्त जन पंडालों में मां भगवती की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना करेंगे। इन दिनों माता रानी की मनमोहक मूर्तियां सजाकर भक्त माता की भक्ति में सरबोर हो उठते हैं और पूजा अर्चना के बाद मां की विदाई स्वरूप मूर्ति का विसर्जन घाटों पर किया जाता है। साथ ही घाट पर आरती के साथ साथ पूजा अर्चना किया जाता है, जिसके कारण भक्तों की भारी भीड़ जुटने की आशंका बनी रहती है। हमारे जिले में आगामी त्योहार को लेते के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण घाट यह है, जिसका आज मुआयना मेजर कप्तान साहब द्वारा किया गया जा रहा है और करीब एक ही दिन में 400 से ज़्यादा मूर्ति विसर्जन इस घाट से होता है। कई ज़िलों से हमारे जुलूस आते हैं, मूर्तियां आती हैं और यहीं इसी घाट से विसर्जन होता है, तो इस संबंध में बहुत ज़रूरी था कि यहां पे एक बार तैयारियों की समीक्षा कर ली जाए और जो जो कमियां हैं उनको ठीक कराने के निर्देश दे दिए जाएँ। तो इसी संबंध में आज हम लोग यहाँ पर आए थे और रास्ता जो मुख्य मार्ग है वो, उसके बाद मुख्य मार्ग से उतर के जो कच्चा रास्ता है वो भी देखा गया। यहाँ पर गाड़ियों के आने जाने की व्यवस्था, टर्निंग रेडियस, पार्किंग की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, गोताखोर की व्यवस्था, नाव की व्यवस्था, ये सब का मुआयना हमारे द्वारा किया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की, जहाँ सिटी कोतवाली क्षेत्र के तहसील परिसर में पिछले 22 दिनों से अधिवक्ता रजिस्ट्रार टाइपराइटर रजिस्ट्री कार्यालय भवन स्थानांतरण होने से रोकने के लिए धरने पर बैठे हैं, जिसका किन्नर समाज ने समर्थन दिया है। किन्नर समाज ने रजिस्ट्री कार्यालय को शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर ले जाने पर किसी भी अप्रिय घटना घटित होने का अंदेशा जताते हुए कहा कि किसी भी प्रॉपर्टी का बैनामा इसी कार्यालय में किया जाता है, ऐसे में खरीदार या विक्रेता या अधिवक्ताओं की सुरक्षा एक सबसे बड़ी समस्या सामने दिखाई दे रही है। शहर से दूर चितौली गांव में कार्यालय को ले जाना बड़ी चिंता का विषय है। इस दौरान किन्नरों ने कहा कि अधिवक्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रजिस्ट्री कार्यालय को रोकने के लिए किन्नर समाज लगातार धरने पर तब तक बैठा रहेगा जब तक रजिस्ट्री कार्यालय भवन बदलने के निर्णय को वापस नहीं लिया जाता।
22 दिन हो गए धरने को और हमारी मांग ये है कि जो रजिस्ट्री कार्यालय चितौली करना चाहते हैं जिला प्रशासन, उसके हम विरोध में हैं और लगातार हमारा विरोध प्रकट हो रहा है। आज 22वां दिन है, हम लगातार हड़ताल पर हैं और आगे भी हड़ताल करते रहेंगे। किन्नर समाज के लोगों ने हमें उनका बहुत बहुत साधुवाद करते हैं कि उन्होंने हमें अपना आकर समर्थन दिया और पूरा ये कहा है कि जब तक हम भी इसके खिलाफ हैं और पूरा किन्नर समाज हमारे साथ है तो हमें ये खुशी की बात है कि उन लोगों ने, जबकि जनप्रतिनिधियों के हमारे बार बार समर्थन पत्र आ रहे हैं। लगभग 22 दिन धरने को हो चुके हैं और धरना हमें किन्नर समाज का आज भी स्थायी रूप से बिल्कुल धरना मिला है, मतलब वो मिला है, समर्थन मिला है लोगों का, और हम इस हड़ताल को जारी रखेंगे। चाहे हमारा लाइसेंस आज के बाद अभी ख़त्म कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हमारे रजिस्ट्री ऑफिस हम रजिस्ट्री ऑफिस के ये इस चीज़ पर दिया है कि सदियों साल से तहसील हमारे यहीं तहसील चौपले पे ही थी, गुरुद्वारे के सामने थाने के अपोजिट साइड में। तो ये IDO साहब जो हमारा ADM साहब जो हमारा रजिस्ट्रेशन वहाँ कर रहे हैं चितौली में इतनी दूर, हम उस बात को लेकर समर्थन दे रहे हैं, हम इस बात पर एग्री नहीं हैं, क्योंकि रजिस्ट्री बहनावा करने लेडीज़ें भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं साथ में, बड़े भी आते हैं, इतनी दूर जाने में कुछ घटना हो गई तो इस बात का जिम्मेदार कौन होगा। हम किन्नर समाज सब तहसील वालों के साथ में है, रजिस्टर ऑफिस के हम साथ में हैं, हमारी मर्ज़ी नहीं है, हम बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, बिल्कुल नाराज़ हम इस बात से कि IDO साहब वहाँ हमारा ऑफिस भेज रहे हैं, हम इस बात पर समर्थन नहीं देंगे कि वहाँ भेजे वो। खबरों में बात उत्तराखंड के रुड़की की, जहां भगवानपुर नगर पंचायत कार्यालय में राज्य मंत्री सुबोध राकेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि विपक्षियों द्वारा उत्तराखंड CM त्रिवेंद्र सिंह रावत का पुतला फूंकने की बात सामने आ रही है, जो बेहद ही निंदनीय है। उन्होंने विपक्षियों पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो इस वक्त भी राजनीति करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोगों की कड़ी निंदा करते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो किसानों के प्रति इतने संवेदनशील हैं कि इकबालपुर सुगर मिल को अपनी गारंटी पर 36 करोड़ का लोन कोऑपरेटिव बैंक से दिलवाने का काम किया है, जिससे बहुत जल्द किसानों का बकाया भुगतान हो जाएगा। विपक्षियों को माननीय मुख्यमंत्री से माफी मांगकर उनका इस निर्णय पर स्वागत करना चाहिए। क्या है जी की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि गन्ना भुगतान की प्रक्रिया चल रही है, अभी सभी लोगों के संज्ञान में आपके आया कि 2-3 मीटिंगें हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सरकार की गारंटी पर DCB बैंक से 36 करोड़ का लोन किसानों के लिए स्वीकृत कराया, तो बहुत जल्द किसानों के खाते में आजकल में आने वाला है। PNB बैंक से स्वीकृति के लिए प्रयास चल रहे हैं, 36 करोड़ का लोन वहाँ से होना है, और जो चीनी है, ब्राउन शुगर है, सीरा वगैरह जो भी नीलामी के माध्यम से पैसा मिल से प्रशासन के माध्यम से आएगा वो भी सीधा किसानों के खाते में आना है। आज वार्ता प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि अभी जो कल कुछ लोगों ने राजनीति के तहत माननीय मुख्यमंत्री का पुतला फूंका है वो बहुत ही गलत निर्णय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए एक बहुत अच्छी पहल की है, उन लोगों को उनका स्वागत करना चाहिए, ना कि उनके पुतले फूंकने चाहिए। हम आप लोगों के माध्यम से अपनी सम्मानित जनता को, क्षेत्र के सम्मानित किसानों को ये कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री, हमारी वर्तमान सरकार किसानों के प्रति बहुत सोच रही है, किसानों के प्रति बहुत चिंतित है, और इतना चिंतित है कि अपनी ही गारंटी पर उन्होंने लोन के माध्यम से किसानों का समस्या का समाधान करने का पूरी तरह से प्रयास कर दिया है, वो प्रयास सफल हो चुका है। खबरों में बात हरियाणा के महेंद्रगढ़ की, जहां विधानसभा क्षेत्र से अजय शर्मा ने पूरे काफिले के साथ रोड शो करते हुए जिला न्यायालय पहुंचकर आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर जनता ने उन्हें मौका दिया तो वर्षों पुरानी आम जनता की जिला मुख्यालय की मांगों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं पहले तो अपने पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करता हूं और मैंने आज नामांकन किया है और मन में एक ऐसी वचन धारा की है कि मैं मेरी महेंद्रगढ़ के लिए जो आज तक नहीं हुआ वो सब पूरा करूंगा। मैं जैसे यादें जो मांग रही है या मैं कोर्ट के अंदर हूँ, जिला मुख्यालय की मांग वो पहले पूरी करेंगे। दूसरा हमारा 4-लाइन रोड होगा, शहर के चारों तरफ बाईपास होगा। तीसरा हमारा हर जितने भी शिक्षार्थी हैं जो हमारे महेंद्रगढ़ विधानसभा में जितने भी बेरोजगार हैं हम सभी को रोजगार दिलाएंगे। तीसरा हर घर में जाके जब भगवान ने मेरे को आशीर्वाद दिया मैं जीत के आया
तो मेरा काम रहेगा हर घर में जाना, उस घर में पढ़ के उसका घर के कोई भी कार्य हो उसका पूर्ण करके दूसरे घर में जाना, ना कि मैं चंडीगढ़ बैठने के लिए महेंद्रगढ़ में विधानसभा से लड़ रहा हूँ। मेरी कोशिश ये रहेगी चंडीगढ़ को यहाँ लेके आए। ठीक है, अगली खबर भी हरियाणा से है, जहाँ भाजपा प्रत्याशी शशि रंजन परमार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और सांसद धर्मवीर सिंह भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा कि हरियाणा से भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह केंद्र में भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनी है, उसी तरह प्रदेश की जनता भाजपा को भारी बहुमत से सत्ता में लेकर आएगी। अगली खबर भी हरियाणा के इंद्री से है, जहां कांग्रेस की प्रत्याशी डॉक्टर नवजोत कश्यप ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसके बाद बजाज मार्केट में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजा तो इलाके की हर समस्याओं का समाधान करूंगी। देखिए, सबसे पहले मैं शीर्ष नेतृत्व और अपना इंद्री की जनता का ध्यान धन्यवाद करूंगी कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इस आवेदन के लिए आगे किया। फिर इसके बाद हमने चुनाव के लिए जो हमने मुद्दे तैयार किए हैं, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारे देश में इस टाइम पे स्त्रियों की हालत क्या चल रही है। औरतों के साथ रोज़ बलात्कार हो रहे हैं, औरतों को सुरक्षा नहीं मिल रही। जो सरकार वादा करती थी कि हम औरतों को सुरक्षा देंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे, उन्होंने कौन सा वादा अपना पूरा किया है? आप उनके घोषणा पत्र को उठा के देखिए, उन्होंने कहा था हम काला धन लाएंगे, स्त्रियों को सुरक्षा देंगे, कोई भी एक वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। आज युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, किसानों को अपना धान का मूल्य नहीं मिल रहा। और हम तो इंद्री में सिर्फ हम जो मुद्दा लेके चलेंगे, जो हमारा मेन है इंद्री की जनता की आवाज़ को विधानसभा तक पहुँचाना। देखो, मैं एक महिला होते हुए ये जानती हूँ कि औरत को सुरक्षा की कितनी आवश्यकता है। चाहे वो कितनी भी ऊंची हो जाए, कितना भी है, उसको सुरक्षा की ज़रूरत है। पर खट्टर सरकार या किसी भी सरकार ने, इस सरकार ने औरतों की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं सोचा। मैं औरतों की सुरक्षा के लिए मुद्दा सबसे पहले उठाऊंगी। जनता की आवाज़ थी, कांग्रेस पार्टी ने आवाज़ को सुना और उस आवाज़ की सुनवाई के बाद जिम्मेदारी डॉक्टर नवजोत को इंद्री हल्के की दी। अब जनता की बारी है। मेरा पूरा विश्वास है कि पिछले 15 वर्ष के अंदर हमने पति पत्नी ने जो लोगों के बीच में जाकर उनकी आवाज़ उठाने का बीड़ा उठाया था, तो निश्चित तौर पर लोग हर चीज़ याद रखते हैं। और लोगों को 2005 भी याद है कि 2005 में भी उन्होंने पूर्ण बहुमत देकर कांग्रेस प्रत्याशी को जिताया। 2 साल बाद लोगों के साथ धोखा हुआ। लोग ये भी जानते हैं कि पिछले 5 साल के अंदर कौन लोग आप लोगों के बीच में आए, कौन लोग दूर रहे। तो अब निश्चित तौर पर 15 साल के तप का जो रिजल्ट है वो आएगा। जनता की आवाज़ को विधानसभा में भेजने का मौका मिलेगा। पिछले 20 साल में एक भी हमारे हलके का विधायक ऐसा नहीं बना जिसने जनता की आवाज़ को विधानसभा में उठाया हो। लेकिन निश्चित तौर पर अब आने वाले समय में डॉक्टर नवजोत कांग्रेस प्रत्याशी निश्चित तौर पर आप लोगों के सहयोग से वो विधानसभा में पहुंचेंगे और जनमानस की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। इंद्री हलके के अंदर समस्याओं की बाढ़ आई हुई है। इधर जाओगे तो आप बादशो शुक्र मिल की समस्या देखोगे। अगर आप बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के अंदर जाओगे तो जब बाढ़ आती है तो लोगों का जीना दुर्भर हो जाता है। उधर आप डबकोली एरिया में जाओगे, चंद्राव से डबकोली और आगे तक, वहाँ पे धनोरा एस्केप की समस्या है। कितना गंदा पानी यमुनानगर की फैक्ट्रियों का आता है। इन्होंने अपने चुनाव में वायदा किया था कि वो गंदा पानी हम बंद कर देंगे और छोटी सी समस्या बड़ी आसानी से ठीक हो सकती है। खबरों में बात हरियाणा के महेंद्रगढ़ की, जहां विधानसभा क्षेत्र से रावदान सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ उनकी धर्मपत्नी संध्या राव ने भी बतौर कवरिंग कैंडिडेट अपना नामांकन दाखिल किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनता पिछले 5 साल से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, लेकिन अब वो बदलाव चाहती है। जनता को ये बताना चाहते हैं और निवेदन करना चाहते हैं कि जो 5 साल पहले का महेंद्रगढ़ था, आज वो महेंद्रगढ़ की तस्वीर नहीं आई। इस विकास के नाम पे, उस MCT के नाम पे लोगों को नारा दे करके वोट लिए गए थे, आज यहाँ की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है और उसका पूर्ण रूप बदलाव का है।
और निश्चित तौर पे लोगों के दिल में एक पछतावा है कि हमने पिछले वर्ष जब चुनाव थे उसमें हमसे गलती हुई, अब ये बार उस चूक को नहीं दोहराएंगे, निश्चित तौर पे बदलाव लेकर के आएंगे और कांग्रेस को भी यही बताएंगे। सर आज जो रैली की जा रही, कौन कौन लोग आ रहे हैं? रघुवंद्र सिंह हुड्डा जी, मुख्यमंत्री राजस्थान के मंत्री हैं राजेंद्र जी, जूली जी, पूर्व सांसद हैं डॉक्टर कर्ण सिंह और जितने भी हमारे क्षेत्रीय नेता और राज्य स्तरीय नेता हैं वो वहाँ पर। सर जिस तरह से बीजेपी बिचेत्र पार का जो नारा दे रही है उसको लेके क्या कहेंगे? वो बातें दरअसल ही हो चुकी हैं और जिस तरह से हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा था अब उसका नीचे लैंडिंग की तरफ हो चुका है और सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, जो इनको जिस उत्साह से और जिस गर्व से इन्होंने शुरुआत की थी आज जनता जान चुकी है कि हकीकत कुछ और आप देखेंगे आश्चर्यजनक परिणाम विभिन्न परिणाम। अगली खबर भी हरियाणा से है जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्रीमती किरण चौधरी ने तोसाम विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनकी बेटी और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी भी मौजूद रहीं। इस अवसर पर किरण चौधरी ने हवन यज्ञ का भी आयोजन किया जिसके बाद उन्होंने लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा आम जनता के लिए काम करती है। कार्यकर्ताओं ने ये इलेक्शन लड़ना है, ये इलेक्शन मेरे कार्यकर्ताओं का है, मेरे इलाके का है, मेरे परिवार का है। 5 साल जो है ताना मैंने करना है और अपना खून पसीना मैंने बहाना है। तो कार्यकर्ता के अंदर बहुत उत्साह है और मैं समझती हूँ ये जो उत्साह इनके अंदर है, ये जो जोश है, ये बहुत भारी बहुमत से जो है तुषार सिंह को जिता कर रहा है। बीजेपी नारा दे रही है 73+ करेगी और कांग्रेस किस प्रकार से इसका मुकाबला करेगी? खोखले वायदे, झूठे नारे, जुमले, केवल बीजेपी की चाल। कांग्रेस ने ना कभी झूठे नारे दिए, ना जुमले दिए और ना खोखले वायदे। कांग्रेस जो कहेगी वो करेगी। अब हमारा घोषणा पत्र आ रहा है, इनके 154 वायदे थे इनके घोषणा पत्र में जिसको हमने जुमला करार दे दिया क्योंकि कोई एक भी इनका जो वायदा था वो पूरा नहीं हुआ। हमारे जो वायदे आएंगे जो हमने अपने घोषणा पत्र के अंदर करे हैं उसके अंदर आप देखिएगा एक एक पॉइंट इस तरह से चुन के रखा है कि हर वर्ग को करा गया है और उसकी चेयरमैन जो मैं बनी थी ये सोच के करके एक एक पॉइंट डाला गया है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो उसको हम पूरी तरह से नियमित तरीके से उसको लागू करेंगे, हम बीजेपी की तरह झूठे नहीं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्र खबर के साथ।